पीकेएल सीजन 10 की सेकंड मैच खेली जाने वाली है यू मुंबा और यूपी योद्धास के बीच में। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं यू मुंबा के स्टार्टिंग सेवन के बारे में। मुंबा के सेंटर में हमें दिखाई देने वाले हैं कुमान सिंह और उनका साथ देते हुए ईरान से स्पेशली ऑर्डर किए हुए दो स्टार रीडर्स यानी राइट इन पे होने वाले हैं अली रेजा और लेफ्ट इन पे होने वाले हैं जफर दानिश। डिफेंस की बात करें तो राइट कवर पे होने वाले हैं सुरिंदर सिंह और लेफ्ट कवर पे होने वाले हैं महेंद्र सिंह। एंड फाइनली दो कॉर्नर्स की बात करें तो राइट कॉर्नर पे होने वाले हैं रिंकू और लेफ्ट कॉर्नर पे होने वाले हैं गिरीश मारुति एरना। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूपी योद्धास के स्टार्टिंग सेवन के बारे में। यूपी योद्धास के सेंटर में हमें दिखने वाले हैं पटना के लाल, जो अब यूपी के लाल बन चुके हैं, यानी प्रदीप नरवाल, और उनका साथ देते हुए राइट इन पे होने वाले हैं सुरिंदर गिल और लेफ्ट इन पे होने वाले हैं विजय मलिक। डिफेंस की बात करें तो राइट कवर पे होंगे आशु सिंह और लेफ्ट कवर पे होंगे हरेंद्र कुमार। एंड फाइनली दो कॉर्नर्स की बात करें तो राइट कॉर्नर पे होने वाले हैं नितेश कुमार और लेफ्ट कॉर्नर पे होने वाले हैं सुमित सांगवान। प्रो कबड्डी में आज तक जितने भी मैचेस हुए हैं उसमें यू मुंबा और यूपी योद्धास अब तक 10 बार भिड़ चुके हैं, जिसमें से यू मुंबा 4 मैचेस जीते हैं और यूपी योद्धास 5 मैचेस जीते हैं और एक मुकाबला टाई पे खत्म हुआ था। यू मुंबा के पास रेडर्स तो काफी बढ़िया दर्जे के हैं। सेंटर में खेलने वाले गुमान सिंह पिछले सीजन में भी यू मुंबा के साथ खेल चुके हैं और इस सीजन में क्या वो पिछले सीजन की बराबरी कर पाएंगे या उससे बेहतर परफॉर्मेंस देख पाएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जो दो नए रेडर्स इस टीम में आए हैं यानी अली रेजा और जफर दानिश, इन दोनों रेडर्स पर यू मुंबा की नजरें ऑक्शन से पहले ही थी, क्योंकि इन दोनों को हमने परफॉर्म करते हुए एशियन गेम्स में देखा हुआ है। कितना अच्छा खेले है वो ईरानियन टीम की तरफ से ये हम जानते हैं, और साथ ही में यू मुंबा के कोच भी ईरानियन टीम के कोच है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का तालमेल, ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज साबित होगा यू मुंबा के लिए। लेकिन जो सबसे की हाईलाइट है यू मुंबा की, वो है इस टीम का डिफेंस। ऑक्शन से पहले ही उन्होंने बता दिया था कि इस बार हमारा मेन फोकस डिफेंस होने वाला है, और उन्होंने जैसा कहा था वैसा करके भी दिखाया। यू मुंबा के राइट कवर पर होने वाले हैं सुरिंदर सिंह और लेफ्ट कवर पे महेंद्र सिंह। सुरिंदर महेंद्र के कॉम्बो को हम देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। उसी के साथ साथ कॉर्नर टू कॉर्नर कॉम्बिनेशन भी काफी स्ट्रॉन्ग है। राइट कॉर्नर पे रिंकू है और लेफ्ट कॉर्नर पे गिरीश एरनक है। चारों पोजीशंस पर खेलने के लिए अपने पोजीशन के बेस्ट प्लेयर्स लेकर आए हैं यू मुंबा, और इस डिफेंस का सामना होगा यूपी योद्धास के डिफेंस के साथ। यूपी योद्धास के पास भी दो दिग्गज कॉर्नर्स हैं, राइट कॉर्नर पे नितेश कुमार और लेफ्ट कॉर्नर पे सुमित सांगवान, और साथ ही में राइट कवर पे आशु सिंह होने वाले हैं, बट लेफ्ट कवर पे होने वाले हैं हरेंद्र कुमार। और हरेंद्र कुमार पिछले सीजन में यू मुंबा का ही हिस्सा थे, यानी सीजन की पहली ही मैच हरेंद्र कुमार अपनी पूर्व टीम के खिलाफ खेलेंगे। अब हरेंद्र कुमार सिंस यू मुंबा में खेल चुके हैं, तो क्या उनकी स्ट्रैटेजी डिकोड करने में हरेंद्र कुमार को एडवांटेज मिलेगा, यह तो मैच देखने पर ही पता चल जाएगा। खैर यूपी योद्धास के रेडर्स की बात करें तो ये तो हम जानते ही हैं कि प्रदीप नरवाल और सुरिंदर गिल पिछले सीजन्स में कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे यूपी योद्धास के लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही रेडर चल रहा था, दोनों का परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा अहम साबित हुआ था यूपी योद्धास के लिए। और अब इस सीजन में थर्ड रेडर के तौर पर यूपी योद्धास विजय मलिक को भी लेकर आए हैं, जिस वजह से काफी स्ट्रॉन्ग रेडिंग यूनिट तैयार हो जाता है यूपी योद्धास के पास। अब यूपी योद्धास के पास अच्छे रेडर्स है, अच्छे डिफेंडर्स भी है, वेरस यू मुंबा के पास भी अच्छे रेडर्स है, अच्छे डिफेंडर्स है, लेकिन दोनों को अगर कंपेयर करें तो मुझे ऐसा लगता है कि यूपी योद्धास का रेडिंग यूनिट थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वेरस यू मुंबा का डिफेंस यूनिट थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये दोनों जब आपस में टकराएंगे तब क्या धमाका होगा, ये देखने में बहुत मजा आने वाला है। प्रो कबड्डी के इस 10वें सीजन में यू मुंबा का ये पहला ही मैच है, वेरस यूपी योद्धास का भी सेम कहानी है कि उनका भी ये पहला ही मैच है, इसलिए ये दोनों ना तो अब तक कुछ मैच हारे हैं ना कोई मैच जीते हैं। लेकिन डोंट वरी, आने वाले वीडियोस में मैं हर एक टीम के प्रीवियस परफॉर्मेंस के बारे में भी इस सेगमेंट में आपको बताता जाऊंगा। तो अब तक इन दोनों टीम्स के बारे में हमने जितना भी कुछ देखा, जाना, परखा, उसके हिसाब से प्रेडिक्शन करने जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मैच में जीत होने वाली है यू मुंबा की। अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा पॉइंट हो इसमें ऐड करने के लिए तो प्लीज वो कमेंट सेशन में मुझे जरूर बताना। सो गाइज, ये थी कुछ चंद बातें जो कि आपको पता होनी चाहिए ये मैच के शुरू होने से पहले। आप लोग मुझे कमेंट सेशन में जरूर बताना कि इस आने वाली मैच में आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम जीतेगी, और साथ ही में मुझे वजह भी बताना कि क्यों आपको ऐसा लगता है कि ये टीम जीतेगी। लॉजिकल और एनालिटिकल जो कमेंट्स होते हैं, जो कि एकदम फैक्ट्स वाली बातें करते हैं, वो कमेंट्स पढ़ने में मुझे बहुत मजा आता है, आपके विचार जानने में बहुत मजा आता है, तो प्लीज़ वो कमेंट सेशन में मुझे ज़रूर बताना। साथ ही में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, मेरा काम आपको पसंद आ रहा है कबड्डी के प्रति, तो आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहिए इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। प्रो कबड्डी सीजन चैंपियंस की सीरीज देखने के लिए यहां पर क्लिक कीजिए और प्रो कबड्डी सीजन 10 के सभी टीम्स के एनालिसिस देखने के लिए यहां पर क्लिक कीजिए। मैं वेदांत विद्या बहुत ही जल्दी मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।